देश में कोरोना का विस्फोट, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी, अब तक 5,753 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 52,000 के पार, 24 घंटे में सामने आए 10,307 नए केस, 3 मरीजों की मौत। सबसे ज्यादा जयपुर में मिले 2,549 नए मरीज। मुंबई में कोरोना के 11,317 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत ही होगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 6,015 केस सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस सामने आए, वहीं 21 लोगों की जान गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीज कम भर्ती हो रहे हैं, जहां 85% तक बेड्स खाली हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि बीजेपी में लगातार विकेट गिर रहे हैं। बसपा को बड़ा झटका लगा है, नेता और मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय ने पार्टी छोड़ी है। वाराणसी से खबर है, मकर संक्रांति के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल से लोगों ने सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाई। अब खबर छत्तीसगढ़ से है, आईईडी ब्लास्ट में एसएसबी का एक जवान घायल हुआ है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर, पटना एम्स में अब तक 610 डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। नई दिल्ली से खबर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज धूमधाम के साथ मनाया गया, पिंक सिटी सहित कई शहरों में पतंगबाजी से आसमान सतरंगी नजर आया, डीजे की धुन पर ये काटा वो काटा की गूंज रही। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं, सभी के सुख समृद्धि एवं निरोगी जीवन की कामना की। पतंगबाजों को सीएम का संदेश, ऊंची पतंग खुला आकाश, परिंदों की सुरक्षा हो हमारा प्रयास। अलवर की नाबालिग से दुष्कर्म पीड़िता का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि अलवर की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, तो वही एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अलवर रेपकांड पर सियासत तेज हो गई है, बीजेपी ने प्रियंका गांधी और राहुल को घेरा है, पूछा कहां है लड़की हूं का नारा, क्या रेप केस में प्रियंका ने राजस्थान से रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण, प्रथम चरण की 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू, प्रत्याशी ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं पर्चा। बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायक सपा में शामिल, सपा मुख्यालय में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश बोले बिना अनुमति हुआ कार्यक्रम, सपा के खिलाफ दर्ज एफआईआर। गोरखपुर में विरोधियों पर बरसे यूपी के सीएम योगी, दलित बिरादरी के अमृतलाल के घर खाई खिचड़ी, बोले जनता को मिला योजनाओं का लाभ, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ी शराब की खेप, हरियाणा निर्मित 50 लाख की शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। केपटाउन में टीम इंडिया का टूटा सपना, दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज के अपने नाम, सिर्फ 3 विकेट खोकर अफ्रीका ने बनाए 221 रन। कोरोना में गड़बड़ाई हवाई सेवाएं, जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे तक हुई 10 फ्लाइट रद्द, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व, दान पुण्य का दौर रहा दिन भर जारी, तो पुष्कर में भी भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से अभी राहत नहीं, माउंट आबू में पारा पहुंचा -5 डिग्री, तो कई जिलों में जमी ओस की बूंदे, कोहरे ने भी थामी वाहनों की रफ्तार। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने एडीएम कार्यालय में क्षेत्र के पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्ता की, नागौर ने कहा कि दूदू विधानसभा में विकास की गति को बढ़ाने के लिए वार्ड पंच से लेकर सांसद तक का सहयोग जरूरी है। लाडनू में रात भर ठंडी हवाओं का दौर चला, सवेरे से ही जबरदस्त कोहरा छाया रहा, आमजन को कई परेशानियां आई, जहां 5 फुट से ज्यादा दूरी तक दिखाई भी नहीं दिया। नैनवा की मेज नदी पर 19,51,00,000 रुपए की लागत से मिनी डैम बनाया जाएगा, जिसका 15 जनवरी को राज्य मंत्री अशोक चांदना शिलान्यास करेंगे। 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये मिनी डैम बनाया जाएगा। सिरोही के शिवगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर योग से निरोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत युवाओं को
योग करवाया गया। नागौर की रियाबड़ी में गोटन खनिज विभाग की टीम ने अवैध बजरी खनन पर कार्यवाही की, जिसमें बजरी से भरे हुए एक ट्रैक्टर को 1,27,250 रुपए का जुर्माना लगाकर जब्त किया गया। जालौर में सांसद के पहुंचने से पहले ही डीएमएफटी की बैठक समाप्त हुई, जिस पर सांसद देवजी पटेल ने कलेक्टर से नाराजगी जताई। 12,51,00,000 के विकास कार्यों पर यह बैठक रखी गई थी। भीलवाड़ा के फूलिया कला में कौमी एकता के प्रतीक रविवार को दड़ा महोत्सव खेला जाएगा, जहां हर साल मनाए जाने वाले दड़ा महोत्सव पर गांव की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। नागौर की मेड़ता सिटी में सांसद दिया कुमारी ने अलवर रेप घटना के तहत राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए। अलवर के राजगढ़ में एटीएम लूट मामले में पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 27 सितंबर की सुबह बदमाश एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए थे। वहीं पुलिस की जांच के अनुसार एटीएम में 2,69,500 रुपए की राशि मौजूद थी। लाडनू में 10 पॉजिटिव केस सामने आने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक विशेष बैठक ली, जहां उन्होंने आमजन से मास्क लगाने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। नागौर शहर में कोहरे का कोहराम जारी है, जहां पर जगह जगह अलाव जलते दिखाई दिए। वहीं शहर से हाईवे पर गुजरने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। नागौर की मेड़ता सिटी में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने राज्य में हो रहे महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार पर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। झुंझुनू में 53 साल की महिला ने 33 साल बाद 12वीं कक्षा पास की है, जहां उसके परिवार को भंवरी के पास होने का विश्वास नहीं था, वहीं पति ने उसके हौसले को बढ़ावा दिया। झालावाड़ की डीएम ने सड़क पर उतरकर बिना मास्क बाजार में घूम रहे राहगीरों के चालान काटे। वहीं डीएम ने दुकानदारों से मास्क लगाने की समझाइश भी की। नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 800 ग्राम डोडा सहित 7 ग्राम स्मैक के साथ एनडीपीएस वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। नागौर की मेड़ता सिटी में संगीतमय सत्संग और प्रवचन का आयोजन हुआ। वहीं कोविड को देखते हुए सत्संग का प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया। सीकर के अजीतगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया, जिसके चलते वेद मंत्रों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। भीलवाड़ा के आसिन कस्बे में एक अजीबोगरीब रहस्य सामने आया है, जहां एक शख्स को 4 डिग्री तापमान में भी ठंड का एहसास तक नहीं होता है, जिसकी उम्र 23 वर्ष से भी अधिक बताई जा रही है। डीडवाना से निकली आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा ग्राम सिंघाना पहुंची, जहां यात्रा का जगह जगह पर स्वागत सत्कार किया गया। वहीं गहलोत सरकार ने आचार्य को स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर सम्मानित किया। जैसलमेर कलेक्टर ने कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाई, इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की। जालौर की सायला में एक बड़ा हादसा टला, जहां पत्थर की पट्टियों से भरा ट्रक खाई में गिर गया। वहीं ट्रक पर सवार आधा दर्जन मजदूर की जान बाल बाल बची। राजसमंद में एक महिला का शव कुएं में तैरता हुआ मिला, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। डीडवाना के मोलासर में महिला डेयरी फार्मिंग को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को डेयरी स्टेटस और स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अजमेर के नया बाजार में स्मार्ट सिटी की ओर से पार्किंग तैयार की गई, जिसे 2 महकमों में विवाद खड़ा हो गया, जहां पुरातत्व विभाग ने गेट पर ताला लगा दिया, वहीं नगर निगम ने ताले को तोड़कर अपने कर्मचारियों को तैनात कर दिया। राजसमंद में मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ अलग नजारे देखने को मिले, जहां लोगों ने पतंगबाजी की तो वहीं उसके बजाय शहर के प्रमुख चौराहे पर तिल से बने व्यंजन गरीबों को दान किए गए। वहीं बड़ी मात्रा में गरीब लोगों के लिए भोजन भी वितरित किया गया। झालावाड़ में समाजसेवी शैलेंद्र यादव उर्फ कालू यादव ने 51 लाख रुपए श्री कृष्ण गौशाला को दान में दिए। अपनी भाभी उषा यादव की पुण्य स्मृति पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह दान किया। पहले भी कालू भैया ने 18 लाख रुपए की लागत से विशाल टीन शेड बनवाया था। अलवर में हुए रेपकांड को लेकर पीड़ित के परिजनों से मिलने राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता पीयूष शर्मा पहुंचे, हॉस्पिटल अधीक्षक से मुलाकात की और बच्ची का हालचाल जाना। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का दौर जारी रहा, इसी कड़ी में दौसा में जमकर पतंगबाजी हुई। यहां लोगों ने छत पर पतंगबाजी के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भी लुत्फ उठाया। उदयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर कई ऐतिहासिक मंदिरों में दान पुण्य का कार्य देखने को मिला। वहीं लोगों ने जानवरों को चारा डालकर सुख समृद्धि की कामना की।
सिरोही के आबू रोड में पतंग का मांझा पक्षियों के लिए खतरनाक साबित हुआ, जहां कई पक्षी मांझे से घायल हो गए। वहीं शहर के बाशिंदों ने मौके पर पहुंचकर घायल पक्षियों का उपचार करवाया। फतेहपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर सजा लक्ष्मीनाथ भगवान का दरबार, साथ ही आसमान में सतरंगी पतंगे भी उड़ती दिखाई दी। वहीं युवाओं द्वारा बनाई गई 9 फीट की पतंग को देखकर हर कोई हैरान हो गया। झुंझुनू के सिंघाना में एक कैदी और 13 वर्षीय बालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं थाने में 20 पुलिस जवानों की कोरोना जांच की गई। झुंझुनू में सिंघाना के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद विद्यार्थियों के सैंपल लिए गए। झुंझुनू में यूरिया वितरण केंद्र पर लगी लंबी लाइनें कोरोना संक्रमण का सबब बन सकती है। जहां लाइनों में लगे कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं लोग, तो वहीं इसकी सूचना मिलने पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश। सिरोही में टायर फटने से एक ट्रक का अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरकर पलट गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना में ड्राइवर को चोटें आई, जहां उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां दोपहर में कोहरा छाने से पतंग नहीं उड़ी, तो वहीं मौसम साफ होने के बाद आसमान पतंगों से भरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही दान पुण्य का कार्य भी देखने को मिला। डूंगरपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीड़ित युवक को ऑनलाइन ठगी के मामले में 40,000 रुपए की राशि रिफंड करवाई है, जहां पीड़ित के खाते से 60,272 रुपए गायब हुए थे। लाडलू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के चलते नागौर से खाद्य विभाग की टीम का अचानक प्रस्थान हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठान बंद करके चले गए। झालावाड़ के झालरापाटन में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों से सजाया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। फतेहपुर में पतंगबाजी बेजुबान पक्षियों की मौत का सौदागर बनी, जहां उड़ने वाले दर्जनों पक्षी पतंग से घायल हो गए। छिपा पड़ोत भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा गौशाला पहुंची और मकर संक्रांति का पर्व मनाया, साथ ही गौशाला की व्यवस्थाएं देखी। डूंगरपुर के भंडारिया घाटा के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक का चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर नवनिर्वाचित प्रधान सुरेंद्र पाल बराड़ ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान एमएलए राजकुमार गौड़, एमएलए जगदीश जांगिड़, कांग्रेसी नेता अशोक चांडक और डायरेक्टर विनोद ताखर मौजूद रहे। मसूदा में मकर संक्रांति पर सिख समाज की ओर से लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पावन अग्नि के समक्ष सभी धर्मावलंबियों ने खुशहाली की अरदास की। विजयनगर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सामूहिक उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। सांगानेर में बलराम मंदिर के तत्वाधान में हिंगोरिया गौशाला में गोमाता की पूजा अर्चना की गई और हरा चारा गुड़ खिलाकर दान पुण्य किया गया। सूरतगढ़ में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान हजारी राम मील ने कार्यभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी राम प्रताप गोदारा ने मील को प्रधान की कुर्सी पर विराजमान कर कार्यभार सौंपा। चोमू में कालाडेरा एसएचओ हरबेंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है और अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही में मकर संक्रांति पर्व को लेकर जिले भर में पतंगबाजी की धूम नजर आई, जहां मकानों की छतों पर लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठाते नजर आए। सिरोही के गांधीनगर मासिक हाट बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां सैकड़ों की तादाद में खरीदार पहुंचे।